The 18th Amendment has become part of the Constitution. Many politicians view the new legislation as a success of people. Yet, this is what ordinary citizens have to say. 18वीं तरमीम हो या आईन में जो भी तरमीम हो वो बड़े लोगों के हक के लिए होती है, गरीब के हक के लिए नहीं होती है। ना बिजली की है यहाँ पे, ना बिजली है, ना आटा है, ना पेट्रोल है, उसके लिए कोई भी इन्होंने जदोजहद नहीं की है, सिर्फ तरमीमों की जदोजहद कर रहे हैं। 18वीं तरमीम हो या 19वीं तरमीम हो, हमारी आम पब्लिक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, खाने को अशिया चाहिए सस्ते दाम पर, और जिससे आपका घर चल सके। सब ड्रामा एक दूसरे को दिखाने के लिए आपस में ये लड़ते हैं, जीते हैं, हारते हैं, इसका आवाम सारा, लेकिन जो भी कुछ सहना पड़ता है वो आवाम को सहना पड़ता है। आफ्टर कमिंग टू पावर द प्रेजेंट गवर्नमेंट मेड सम प्रॉमिसेस। अगस्त तो हमने रखा हुआ है कि 14 अगस्त हमने एक डेट रखी हुई है, इंशाल्लाह ताला उसी पर हम अमल करेंगे। और जब हम 2009 आप क्यों इतने मायूस होते हैं? जब हम कहते हैं तो आप यकीन करें। अनफॉर्चुनेटली इट कुड नॉट फुलफिल इट्स प्लजेस। जितने सियासतदानों के ये कहते हैं कि जी हम ये कर देंगे, वो कर, कोई हमने आज तक देखा नहीं है कि किसी ने आज तक करके दिखाया। इस वक्त तक लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई, और अब जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, इस सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है वो हुकूमत पर आयद होती है। पाकिस्तान पीपल पार्टी का बुनियादी मंशूर जो है वो रोटी कपड़ा और मकान था, और उस रोटी और कपड़ा और मकान की तरफ आना है और लोगों को बुनियादी हकूक उनकी दलील पर पहुँचाने। इट सीम्स दैट देयर हैज बीन अ डिस्पैरिटी बिटवीन द प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। The 18th Amendment has restored the sanctity of the Constitution, but the PPP-led ruling coalition must address the outstanding governance issues to satisfy the people and meet their expectations. Atif Khan, Don News, Islamabad.